एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सोए थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैंने अपने जीवन में खूब मेहनत किया और हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपके समस्या का हल ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता उधर ही दौड़ता, जिसके वजह से यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारे सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि यदि सफल होना है तो अपने मंजिल पर ही ध्यान देनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी मंजिल तो हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम दूसरे लोगों को देखकर उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, न कि बहुत ज़्यादा लक्ष्य बनाइए। अगर आप एक से ज़्यादा लक्ष्य बनाएंगे तो आप थक जाएंगे उस व्यक्ति की तरह और उस कुत्ते की तरह।